प्लस येलो इज इक्वल टू ग्रीन। ब्लू भी हमारा प्राइमरी कलर है, येलो भी प्राइमरी कलर है, तो उसको मिक्स करने से हमारे मैंने यहाँ पे क्या राइट किया, आप देखो मेकअप। सो आपको मेकअप का एक सही डेफिनेशन पता होना चाहिए। अभी मैं आप लोगों से ही पूछूंगी व्हाट इज मेकअप, तो बहुत लोग कमेंट करके बोलेंगे कि मैम कंसीलर, फाउंडेशन, आई शेडो, ये सब मेकअप होता है। तो जी नहीं, हम इसे मेकअप नहीं बोलेंगे, इसका सही डेफिनेशन नहीं। माय चैनल, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। कैसे हैं आप लोग? सो टाइटल एंड थंबनेल देखिए आपने पता कर लिया है मैं आप लोग को आज क्या बता रही हूँ। तो जी हाँ, आज से स्टार्ट है आपका मेकअप कोर्स। सो आप मेरे स्टूडेंट हो, ये कैमरा मेरा स्टूडेंट है, आप ऐसा समझ सकते हो। मुझे नहीं पता कितने लोग ये वीडियोस को देखेंगे या नहीं देखेंगे, बट मैं आप लोग को एकदम अच्छे से इन डेप्थ मेकअप के बारे में बताने वाली हूँ। व्हाट इज मेकअप, मेकअप कहाँ से है, कलर कहाँ से है, आई शेडो कहाँ से है, पिगमेंट कहाँ से है, अंडरटोन कहाँ से आया, मेकअप क्यों बना, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, सब कुछ मतलब ए टू जेड चीज मैं आप लोग को बताऊंगी यूट्यूब पे। मतलब आप बस मेरी क्लासेस को देखते जाना, मैं या तो क्लास वन क्लास टू करके डालूंगी या डे वन डे टू करके डालूंगी। सो ये फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक टू एडवांस डिप्लोमा मास्टर क्लास है मेकअप का, जो कि आप आराम से घर पे सीख सकते हो। बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। एंड जो अफोर्ड नहीं कर सकते सैलून जाके मेकअप सीखना, या फिर ऑफलाइन नहीं सीख सकते, या ऑनलाइन भी नहीं सीख सकते, तो मेरी वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मैं अपना 100% दूंगी। मैंने सोचा है कि मैं एकदम अच्छे से आप लोगों को सिखाऊंगी, मतलब कुछ भी मैं छुपाऊंगी नहीं। मुझे जितना नॉलेज है, मैंने जितना सीखा है अब तक, सब कुछ मैं आप लोगों को बता दूंगी। सो आराम से आप बेझिझक होकर मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर मुझसे कुछ गलती होगी या कुछ भी आपको मतलब कमी लगेगा मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करूंगी। सो आज है डे वन, यानी कि क्लास वन। सो क्लास वन में हम क्या बात करेंगे, क्लास वन में हम बात करेंगे मेकअप क्या होता है, मेकअप कहाँ से आया, एंड हम बात करेंगे कलर व्हील के बारे में। सो कलर व्हील का जो टॉपिक होता है वो मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगी, मेरे एक पार्ट में मतलब कवर नहीं हो। एंड यूट्यूब पे जो मैं वीडियो भी अपलोड करूंगी ना, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कितने मिनट की मुझे अपलोड करनी चाहिए। सो आराम से डायरी निकालिए, आप एक कॉपी परचेस कर लो अगर आपने नहीं किया प्लेन, एंड आप आराम से एक मार्कर ले लो, मतलब जिसमें आप मतलब होता है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर सको, एंड पेन रखो अपने साथ, एंड जो भी मैं बोलती हूँ उसको नोट्स करो। आप ऐसा समझो मैं आप लोग को ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे लोग सिखाते हैं ना, मैं उसी तरह से आपको सिखा रही हूँ। बस आपको क्या करना है, आराम से इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरा देखोगे तो मेकअप सीखोगे, ये बिगनर्स के लिए भी, एंड मैंने बोला जिनको मेकअप आता उनके लिए भी। अगर आपको अच्छा लगेगा तो पूरा जरूर देखोगे, नहीं अच्छा लगेगा तो मे बी स्किप भी कर सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जय माता दी, एंड आप भी मतलब बस स्टार्ट करो। चलिए हम आज का फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बात करते हैं व्हाट इज मेकअप, मेकअप कहाँ से आया। सबसे पहला क्वेश्चन, सो मैं यहाँ पे टाइटल लिखती हूँ। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या राइट किया, आप देखो मेकअप। सो आपको मेकअप का एक सही डेफिनेशन पता होना चाहिए। अभी मैं आप लोगों से ही पूछूंगी व्हाट इज मेकअप, तो बहुत लोग कमेंट करके बोलेंगे कि मैम कंसीलर, फाउंडेशन, आई शेडो, ये सब मेकअप होता है। तो जी नहीं, हम इसे मेकअप नहीं बोलेंगे, इसका सही डेफिनेशन नहीं है। बेसिकली इसका जो सही डेफिनेशन है वो है प्लेइंग विथ कलर्स। सो गाइज, हम मेकअप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, मेकअप इज ऑल अबाउट प्लेइंग विथ कलर्स। सो अगर हमारे पास कलर्स नहीं हो तो मेकअप नहीं होगा। आप आज देखते हो कितनी तरह के आई शेडो आते हैं, कंसीलर आते हैं, फाउंडेशन आते हैं, लिपस्टिक आते हैं, ब्लश आते हैं, सब में कलर है। सो अगर कलर नहीं होगा तो मेकअप नहीं होगा। सो इसका जो सही डेफिनेशन हम राइट करेंगे वो है मेकअप इज ऑल अबाउट प्लेइंग विथ कलर्स। कलर्स के बिना मेकअप पॉसिबल ही नहीं है। सो अगर आपसे कोई सही डेफिनेशन पूछे मेकअप का, व्हाट इज मेकअप, तो आप यही बताओगे। मेकअप इज ऑल अबाउट प्लेइंग विथ कलर्स। विदाउट कलर मेकअप इज नॉट पॉसिबल। मैं हमेशा बोलूंगी कलर के बिना मेकअप पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कलर अगर नहीं होता तो हमारे फाउंडेशन, कंसीलर एंड आई शेडो बनते नहीं।
अब बात करते हैं ये कलर कहाँ से आया। सो कलर भी कितनी तरह के होंगे, आप ये बैकग्राउंड देख रहे हो ये रेड कलर का है, ये आप बोर्ड देख रहे हो व्हाइट कलर का है, फिर आपको दिखता हो येलो कलर, ब्लू कलर, फिर ग्रीन कलर, इतनी तरह के कलर होते हैं। तो बेसिकली ये कलर कहाँ से आया सबसे पहले तो हमें ये जानना है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कलर्स। सो गाइस कलर जो होता है ना हमें गॉड ने मतलब प्राकृतिक ने हमें तीन कलर गिफ्ट किए हैं जो कि नेचर की तरफ से है। सो तीन कलर हमने नहीं बनाए हैं, तीन कलर गॉड ने हमें गिफ्ट किए यानी नेचर को गिफ्ट किए। फर्स्ट इज आप मुझे बताओ अगर आपको पता है तो फर्स्ट है रेड, सेकेंड है ब्लू, थर्ड है येलो। सो आप जो ये यहाँ पे तीन कलर देख रहे हो ये हमने नहीं बनाया है, हमने रेड को नहीं बनाया, हमने ब्लू को नहीं बनाया, हमने येलो को नहीं बनाया है, ये हमें गॉड की तरफ से मिला है यानी कि ये नेचर गिफ्ट है। बात करते हैं इस कलर को क्या बोला जाता है। आप जो ये तीन कलर देख रहे हो इसका इतना ज्यादा कलर व्हील में भी यूज होगा, मैं आपको कलर व्हील बना के दिखाऊंगी कैसे कलर व्हील बना, फिर किस तरह से आई शेडो हम डिसाइड करेंगे कॉस्ट्यूम के अकॉर्डिंग, सब कुछ इसी तीनों से बनेगा। तो इन तीनों कलर को बोला जाता है प्राइमरी कलर, ठीक है। प्राइमरी कलर हमें नेचर की तरफ से गिफ्ट मिला है। सो ये तीन कलर हो गए आपके प्राइमरी कलर। ये तीन हमें मिले हैं नेचर की तरफ से, मतलब नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है। सो आप समझ गए यहाँ पे। अब बात करते हैं ये रेड ब्लू येलो कहाँ से आया। सो गाइज रेड क्या इंडिकेट करता है, रेड इंडिकेट करता है फायर, ब्लू इंडिकेट करता है स्काई, येलो इंडिकेट करता है, आप मुझे बताओ येलो किसको इंडिकेट करता है, येलो सन को इंडिकेट करता है। एंड इग्नोर माय राइटिंग अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसलिए मैं बोल भी रही हूँ। सो मैंने क्या बोला, ये तीन कलर हमें मिले है गॉड की तरफ से। तो जैसे कि रेड ब्लू येलो सब एक मतलब इंडिकेशन आपको देता है, अगर आपको नहीं याद होता ना तो इस तरह से याद कर लो। रेड फायर का इंडिकेशन आपको देगा, अगर आप ध्यान से देखोगे फायर को तो आपको रेड कलर सबसे नीचे नजर आएगा, ब्लू कलर स्काई हमारा आसमान, येलो यानी कि सन, आप सन को देखोगे तो येलो कलर का ही होता है। अब बात करते हैं ये तीन कलर ही हमारे पास है, बट ये तीन कलर से क्या हमारा मेकअप होगा या फिर हमारे कोई भी काम होंगे। इवन हम मार्केट जाते हैं कोई भी आउटफिट परचेज करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे वायलेट कलर का आउटफिट वेयर किया, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। सो ये सब कलर कहाँ से आएंगे, हमें तो यही तीन कलर मिले हैं। सो हमें और कलर बनाना है, ठीक है। सो हमें जो और कलर बनाना है वो कैसे बनेगा, सो आगे मैं आपको दिखाती हूँ, जिसे हम सेकेंडरी कलर्स भी बोलेंगे। सो हम जब दो प्राइमरी कलर्स को मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है एक नया कलर जिसे हम सेकेंडरी कलर बोलेंगे। सो मैं चलिए आपको आगे दिखाती हूँ। तो आपको क्या करना, मैं एकदम सिंपल फंडा आपको बताती हूँ। आपको ये रहा रेड आपका, ब्लू, येलो। सो इसे हम क्या बोलते हैं प्राइमरी कलर। रेड प्लस येलो बनेगा ऑरेंज, रेड प्लस ब्लू बनेगा वायलेट, ब्लू प्लस येलो ग्रीन। सो दो प्राइमरी कलर को मिलाने से हमें क्या मिला, आप भी मुझे बताओ। दो प्राइमरी कलर को मिलाने से हमें मिला एक सेकेंडरी कलर, ठीक है। ये कलर हमने बनाया है, सो मैं आपको बताती हूँ सेकेंडरी कलर। फर्स्ट ऑरेंज, वायलेट, थर्ड ग्रीन। सो हमें जो तीन नए कलर मिले हैं विच इज ऑरेंज, वायलेट एंड ग्रीन। सो
दो प्राइमरी कलर को मिक्स करने पे बनता है सेकेंडरी कलर। आर यू क्लियर? अब आप समझ गए कि सेकेंडरी कलर कहाँ से आया। सो इसे हम बोलेंगे प्राइमरी कलर, जो कि हमें गॉड ने गिफ्ट किया है, एंड ये कलर दो प्राइमरी कलर को मिलाने से बनते हैं। गाइज मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरह से हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रीन कलर, ब्लू कलर, रेड कलर मिले हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली बता देती हूँ कैसे हम दो प्राइमरी कलर को मिक्स करेंगे तो हमारे एक सेकेंडरी कलर मिलेगा। सो टोटल कलर मैं रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए। फर्स्ट आप ही मुझे बताओ मैंने क्या बोला था, रेड प्लस ब्लू इज इक्वल टू वायलेट, ब्लू प्लस येलो इज इक्वल टू ग्रीन, एंड हम मिक्स करेंगे येलो प्लस रेड इज इक्वल टू ऑरेंज। ये हमारे होते हैं सेकेंडरी कलर। समझ गए आप? चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ करके। ये रहा ब्लू कलर मैंने लिया है। मैं क्वांटिटी अभी इक्वल रख रही हूँ, आप समझ रहे हो मेरी बातों को, एकदम बराबर आपको क्वांटिटी रखनी है। मतलब 50% अगर आपका ब्लू कलर है सो 50% आप लोगे येलो कलर। ये रहा हमारा फर्स्ट कलर। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे येलो कलर। यहाँ पे हमें कौन सा कलर मिला आप देख सकते हो, ग्रीन कलर। आई गेस आप समझ गए होंगे। हमने यहाँ पे कौन से कलर को मिक्स किया, हमने यहाँ पे मिक्स किया ब्लू प्लस येलो इज इक्वल टू ग्रीन। ब्लू भी हमारा प्राइमरी कलर, येलो भी प्राइमरी कलर है, तो उसको मिक्स करने से हमारा बना सेकेंडरी कलर, जो कि है फर्स्ट मैंने आपको दिखा दिया। दिखाती हूँ रेड प्लस, रेड प्लस ब्लू हम मिक्स करेंगे तो हमारा वायलेट कलर बनेगा। प्रॉपर पोर्शन में 50% हमने लिया रेड कलर को एंड 50% ब्लू कलर, तो हमें मिला है एक डार्क पर्पल जो कि वायलेट कलर हम इसे बोलते हैं। डन, आप देख सकते हो हमें वायलेट कलर यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट हम मिक्स करेंगे रेड प्लस येलो तो हमें मिलेगा ऑरेंज कलर। ये रहा हमारा रेड कलर। इसमें हम मिक्स करेंगे येलो सो आप देख सकते हो हमें ऑरेंज कलर यहाँ पे मिल रहा है। हमें तीन नए कलर मिले, ऑरेंज वायलेट ग्रीन। मैंने आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दिया है कि आप घर पे अगर ट्राई कर रहे हो तो आराम से समझ जाओगे। तो ये तीन कलर हमने बनाए हैं खुद से। डन, तो आप इतनी दूर तो समझ गए होंगे कि किस तरह से सेकेंडरी कलर हम बना सकते हैं एंड सेकेंडरी कलर किस दो कलर को मिलाने से बने हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला, मार्केट आप जाते हो आपको डिफरेंट टाइप के ग्रीन कलर दिखते हैं, जैसे कि न्यूट्रल ग्रीन कलर हमें मिला क्योंकि हमने इसे 50% ऐड किया ब्लू एंड 50% येलो कलर। 50% जब भी आप दोनों कलर रखते हो ना बराबर तो आपको एक न्यूट्रल कलर मिलता है। बट ग्रीन में भी बहुत सारे कलर आते हैं, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, डार्क
ब्लू, डार्क ऑरेंज, तो ये कैसे बनेगा? सो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे हम ले रहे हैं ब्लू प्लस येलो इज इक्वल टू ग्रीन. सो ये हमें एक न्यूट्रल ग्रीन कलर मिल रहा है जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया बना के. सो 50% हमने लिया था, 50% हमने लिया था ब्लू, 50% हमने येलो, तो हमें एक न्यूट्रल ग्रीन कलर मिला. डन. सो ब्लू कलर क्या होता है? ब्लू एक डार्क कलर है, ब्लू एक डार्क कलर, येलो एक लाइट कलर है. सो ऑब्वियस सी बात है, हम डार्क को लाइट से मिक्स करेंगे, 50-50 का रेशियो मिलेगा रखेंगे, हमें एक न्यूट्रल कलर मिलेगा. बट इफ हम क्या करेंगे, ये जो ब्लू कलर होता है जो कि डार्क होता है थोड़ा दिखने में, इसका रेशियो हम 75% कर दे एंड इसका हम 25% कर दे. समझ रहे हो आप मेरी बातों को? तो हमें कौन सा कलर मिलेगा? हमें मिलेगा डार्क ग्रीन. अब आपको समझ आया किस तरह से डार्क ग्रीन कलर बनता है, न्यूट्रल ग्रीन बनता है, लाइट ग्रीन कलर बनता है. सो क्या करना है, 75% रखना है ब्लू कलर एंड 25% येलो कलर, तो हमारा बनेगा डार्क ग्रीन कलर. ऐसे ही अगर हम 25% रखेंगे ब्लू कलर एंड हम रखेंगे 75% येलो कलर, सो हमें मिलेगा एक लाइट ग्रीन कलर. सो इसी तरह से कलर बनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर. आई शेडो पैलेट भी आप देखते होंगे, तो आई शेडो पैलेट में भी आपको लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, फिर हर तरह के ग्रीन दिखते होंगे, मतलब एक तरह के नहीं, बस क्वांटिटी को क्या किया गया है, आगे पीछे कर दिया गया है. सो आई गेस आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा, फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक बार प्रैक्टिकली दिखा दूंगी. सो यहाँ पे हमने क्या बोला, 25% अगर डार्क ग्रीन, 75% येलो, सो हमें मिलेगा लाइट ग्रीन कलर. सो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ एक बार बना के, ताकि कुछ से क्लियर हो जाए. मैंने क्या बोला आप लोगों को, 75% आपको रखना है डार्क ब्लू कलर. सो इस तरह से ब्लू कलर मैंने लिया एंड अब मैं इसमें मिक्स करूंगी 25% येलो कलर. 25% हमें लेना है. सो इस तरह से आप देख सकते हो मैंने क्वांटिटी रखी है ब्लू की ज्यादा एंड येलो की बहुत कम, तो मुझे मिला है डार्क ग्रीन कलर. इसी तरह से मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे अभी मैंने येलो कलर की क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा ली है, मैं आपको दिखाती हूँ. जैसे कि मैंने यहाँ पे येलो कलर की क्वांटिटी ज्यादा ली है, दिख रहा होगा आपको. एंड मैं इसमें क्या करूंगी, 25%, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ही गड़बड़ हो गया, मैं इसमें एकदम इस तरह से रेशियो रखा है. सो हमें मिला है यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर. आई गेस आप समझ गए होंगे. आपने आज क्या सीखा, आपने आज सीखा किस तरह से सेकेंडरी कलर बनाए. सो ये जो आप प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर देख रहे हो, इसका हम बहुत आगे जाके यूज करेंगे. इसी से डिसाइड होगा हमारा आई मेकअप, इवन हमारा अंडरटोन भी इसी से डिसाइड होगा. सो ध्यान से इन सबको नोट कर लीजिए, हम अब आगे बढ़ते हैं. गाइस हमने यहाँ पे बात तो कर लिया प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर, थर्ड आता है टर्शियरी कलर. टर्शियरी कलर क्या होता है, टर्शियरी कलर हम बोलते हैं एक प्राइमरी कलर को मिक्स करेंगे, एक सेकेंडरी कलर को मिक्स करेंगे, तो हमें मिलता है टर्शियरी कलर. सो प्राइमरी कलर कलर प्लस सेकेंडरी कलर को मिक्स करने पे हमें मिलता है टर्शियरी कलर. Thank you.
रेड प्लस वायलेट इज इक्वल टू रेड वायलेट। सो टर्शियरी कलर क्या होता है? टर्शियरी कलर होता है, एक प्राइमरी कलर को हम लेंगे, एक सेकेंडरी कलर को लेंगे, सो हमें मिलेगा टर्शियरी कलर विच इज रेड प्लस वायलेट इज इक्वल टू रेड वायलेट विच इज ब्लू प्लस ग्रीन ब्लू ग्रीन। इसी तरह से अगर आप एक प्राइमरी कलर को एक सेकेंडरी कलर को मिलाते हैं तो हमें मिलता है ब्लू ग्रीन कलर, रेड वायलेट, ऑरेंज रेड, ब्लू वायलेट। इसी तरह से आपको डिफरेंट टाइप्स के कलर्स मिलेंगे। सो आपको समझ आ गया कलर्स कहाँ से आया, कलर कैसे बना, कलर के बिना मेकअप पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैंने बोला मेकअप का एक सही डेफिनेशन क्या है, मेकअप इज ऑल अबाउट प्लेइंग विद कलर। सो कलर्स कहाँ से आए, कलर्स हमें गॉड ने गिफ्ट किए, तीन कलर से हमने बनाए तीन और कलर, इन छह कलर से हमने बनाए और सारे कलर। सो बस इसी तरह से आप ये सबको रिमेम्बर कर लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइज आपने यहाँ तक देखा कि कलर्स कहाँ से आए एंड कितनी तरह के कलर्स होते, कलर हम किस तरह से बना सकते एंड अब हम सीखेंगे कलर्स का हम यूज कैसे करेंगे मेकअप में। उसके लिए हमें सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए कलर व्हील की, ठीक है। सो कलर व्हील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कलर व्हील एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना मतलब ना आपका मेकअप इनकम्प्लीट है। आपको बनाना है अब कलर व्हील। सो ध्यान से सुनिए, हमारे पास अभी कितने कलर है, हमारे पास कलर है रेड ब्लू येलो वायलेट ग्रीन। सो अब हम बनाएंगे कलर व्हील। सो कलर व्हील बनाना है आप लोगों को। अब बात करते इन सब कलर में सबसे डार्क कलर है वायलेट, सबसे लाइट कलर है येलो, देखने में भी आपको पता चल जाएगा। सो कलर व्हील जो हम बनाएंगे यहाँ पे, इसके लिए एक रूल होता है, ये बात आपको ध्यान से सुनना है एंड आप नोट कर लो। कलर व्हील हम जब भी बनाते, आपको मार्केट में इजीली कलर व्हील का चार्ट मिल जाएगा, कलर व्हील मिल जाएगा, बट आपको खुद से बनाना है एंड आपको दिमाग लगाना है कलर व्हील में कौन सा कलर कहा जाएगा। सो कोई भी कलर जब आप कलर व्हील बनाते हो, कोई भी कलर रिपीट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट सेकेंड क्या रिक्वायरमेंट होती है, आपको कलर ट्रांजिशन थ्योरी रिमेम्बर करना है। सो हम क्या करेंगे, कलर व्हील को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इस तरह से, कलर ट्रांजिशन। सो इसका जो रूल होता है कलर ट्रांजिशन का, डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क। सो हम जो कलर व्हील बनाते हैं ना, या तो हम डार्क से लाइट की ओर जाएंगे, लाइट से डार्क की ओर जाएंगे, मीन्स लाइट 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 डार्क 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 डार्क, ये आपको थोड़ी याद करना है। सो नोट कीजिए, जब भी हम कलर व्हील बनाते हैं डू नॉट रिपीट द सेम कलर। सेकेंड वी हैव टू फॉलो ट्रांजिशन कलर मेथड विच इज लाइट टू डार्क डार्क टू लाइट। सो आपको डिवाइड करना है कलर व्हील को दो पोर्शन में, आप समझ गए। एंड अब हम बनाएंगे कलर व्हील। सो मैंने आपको क्या बोला, आपको लाइट से क्या करना है, डार्क की ओर जाना है, डार्क से आपको लाइट की ओर जाना है। सो इसका जो मेथड होता है ये है डार्क, डार्क से लाइट, लाइट से डार्क, डार्क से थोड़ा हल्का लाइट, लाइट और लाइट, लाइट से हम क्या करेंगे डार्क। तो ये इसका एक रूल होता है। सो ध्यान से सुनिए, कलर भी आपको बनाना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पिक करूंगी रेड कलर। सो रेड इज डार्क कलर, कलर व्हील हम बना रहे हैं, ध्यान से सुन लिया। कलर व्हील बनाने के लिए सबसे पहले कलर लीजिए रेड, रेड से हल्का लाइट आपको क्या दिख रहा है, मैंने क्या बोला डार्क से लाइट, लाइट से फिर धीरे धीरे डार्क, यहाँ पे ऑरेंज, समझ गए आप। नेक्स्ट ऑरेंज से हल्का येलो, येलो से हल्का क्या होता है आप मुझे बताओ,
येलो से हल्का कुछ नहीं होता है, फिर हम लाइट से डार्क की ओर जाएंगे। अब हम लाइट से डार्क ग्रीन, ग्रीन से थोड़ा डार्क ब्लू, ब्लू से डार्क वायलेट। सो इस तरह से हम बना चुके अपना कलर व्हील। मैंने क्या बोला, डार्क से लाइट, लाइट से डार्क। सो इस तरह से हमारा बनता है कलर व्हील, एंड इस कलर व्हील का हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे आगे। सो अब मैं आपको बताती हूँ कलर व्हील का हम किस तरह से यूज करेंगे आई शेडो में एंड मेकअप में। मैंने आप लोग को कलर व्हील बनाना भी सिखा दिया, अब मैं आपको दिखाती हूँ कलर व्हील बेसिकली होता कैसा है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कितने सारे कलर है। मैंने आपको क्या बोला, रेड रेड ऑरेंज, रेड ऑरेंज मिक्स मीन्स टर्शियरी कलर, ठीक है। ऑरेंज हमें कहाँ से मिला, सेकेंडरी कलर ये हमारा है। येलो ऑरेंज टर्शियरी कलर, येलो हमारा जो कि प्राइमरी कलर होता है। येलो ग्रीन हमें कहाँ से मिला, टर्शियरी कलर। ग्रीन कलर सेकेंडरी कलर, ब्लू ग्रीन टर्शियरी, ब्लू प्राइमरी कलर, ब्लू वायलेट टर्शियरी कलर, वायलेट सेकेंडरी कलर, रेड वायलेट आपको टर्शियरी कलर। सो यहाँ पे जो फर्स्ट में देखते हो हम, जैसे कि रेड हो गया, येलो हो गया, येलो हो गया, ब्लू हो गया, जो फर्स्ट वर्ड आप देखते हो, सो रेड की क्वांटिटी ज्यादा है। मींस रेड वायलेट जब मिक्स होता है तो रेड मतलब वायलेट, वायलेट की क्वांटिटी कम एंड रेड की क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा, तो वो रेड वायलेट नजर आएगा। इसी तरह से येलो ऑरेंज आप जब देखते हो तो आपको येलो की क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा नजर आएगी। येलो ग्रीन मीन्स आपको इस तरह का कुछ कलर नजर आएगा, समझ रहे हो आप मेरी बातों को। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, ये तीन प्राइमरी कलर थे और बाकी जो रेस्ट कलर है वो हमने कैसे बनाए। सो प्रैक्टिकली आपको मैंने दिखा दिया है सारे को, सो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सो ये रहा कलर व्हील, मैंने आपको कलर व्हील भी बता दिया किस तरह से कलर व्हील बना। अब बात करते हैं गाइज मेकअप में कैसे हम यूज करेंगे कलर व्हील का। सो ध्यान से सुनिए, अगर आप एग्जाम्पल समझो, क्लाइंट हमारा है, जैसे कि मेरे पास कोई क्लाइंट आ रही है, मेरी ब्राइड है, उसने रेड कलर का लहंगा वेयर किया, रेड लिपस्टिक है, रेड जूड़ा है, रेड उनका सैंडल है, रेड ज्वेलरी सब कुछ उन्होंने रेड लिया। अगर मैं रेड मेकअप उनका करूंगी तो मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा, सब कुछ रेड रेड नजर आएगा। तो आपको क्या करना है, कुछ डिफरेंट करना है। अब डिफरेंट का ये मतलब नहीं है कि आप ब्लू कलर कर दोगे उनको, आप येलो कर दोगे उनको डार्क, मतलब ये वाला येलो, इसका ये मतलब नहीं कि आप एकदम डिफरेंट करोगे, इतना भी डिफरेंट नहीं करना है। अगर आपके पास कोई भी ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनका रेड आउटफिट है तो आप आराम से उनका मेकअप कर सकते हो वायलेट कलर में, आप आराम से उनका मेकअप कर सकते हो सिल्वर कलर में, मीन्स गोल्डन आइज कर सकते हो आप, थोड़ा डिफरेंट नजर आएगा। बट अगर आप रेड करोगे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सो ये सब बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा मैं आपको एक और ऑप्शन देती हूँ, मैं ऐसे आपको समझाती हूँ। इफ मेरे क्लाइंट ने रेड कलर वेयर किया है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे देखूंगी रेड के अगल बगल क्या है, रेड के अगल बगल है वायलेट एंड ऑरेंज कलर। तो इस दोनों को कलर भी आप देखो, ये रहा हमारा रेड कलर एंड उसके अगल बगल देखो, रेड के बगल में हमारा आता है वायलेट कलर और ऑरेंज कलर, ठीक है। हमारे क्लाइंट ने वेयर किया है रेड कलर, सो हम उनको वायलेट आई मेकअप भी दे सकते हैं एंड ऑरेंज भी दे सकते हैं। सो वायलेट होता है डार्क कलर, ऑरेंज होता है लाइट कलर। अगर आपके क्लाइंट को थोड़ा सा ड्रामेटिक लुक चाहिए तो आप वायलेट यूज कर सकते हो, जो कि ये है। अगर आपके क्लाइंट को थोड़ा सा न्यूट्रल रखना है, ज्यादा ओवर नहीं करना है, ऑरेंज कर सकते हो। इवन आप रेड ऑरेंज भी कर सकते हो एंड रेड के बगल में रेड वायलेट, आप ये भी कर सकते हो, तो बहुत अच्छा उनका मेकअप लगेगा। इसी तरह से हम ना डिसाइड करते हैं कि क्लाइंट को कैसा मेकअप देना है। इफ क्लाइंट ने ब्लू कलर का गाउन वेयर किया या ब्लू कलर का कपड़ा पहना है, कोई भी साड़ी या कुछ भी, तो आप उनको ब्लू कलर का आई शेडो दे सकते हो। ब्लू कलर का आई शेडो इसलिए दे सकते हो क्योंकि क्लाइंट आपके लिपस्टिक तो ब्लू कलर का नहीं लगाएंगे। तो अगर आपके क्लाइंट को ब्लू नहीं देना है, फॉर एग्जाम्पल ब्लू उनको नहीं पता, तो आप वायलेट दे सकते हो, ग्रीन दे सकते हो।
डार्क आई मेकअप चाहिए तो वायलेट एंड लाइट चाहिए तो ग्रीन। इसी तरह से अगर आपके क्लाइंट ने ग्रीन कलर का कपड़ा पहना है सो आप क्या कर सकते हो, उनको ग्रीन कलर का आई शेडो दे सकते हो। यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि कलर व्हील का हम किस तरह से यूज करेंगे आई शेडो में, ध्यान से सुनिए। तो ग्रीन कलर का अगर क्लाइंट ने वेयर किया है फॉर एग्जाम्पल, तो आप उनको आराम से ग्रीन कलर का आई मेकअप दे सकते हो। इवन अगर क्लाइंट को ग्रीन नहीं चाहिए तो आप ब्लू दे सकते हो, येलो दे सकते हो, डार्क चाहिए तो ब्लू, लाइट चाहिए तो येलो। तो ये बस एक सिंपल थ्योरी होती है जो आप रिमेम्बर कर लो किस तरह से हम कलर व्हील के थ्रू आई शेडो डिसाइड करेंगे, समझ गए आप। रेड अगर क्लाइंट वेयर कर रहा है सो आप वायलेट आई मेकअप दे सकते हो, ऑरेंज दे सकते हो, डार्क चाहिए तो वायलेट, लाइट चाहिए तो ऑरेंज, ब्लू अगर वेयर कर रहे हैं तो ब्लू भी दे सकते हो, वायलेट भी दे सकते हो, ग्रीन भी दे सकते हो। आप क्या करो कलर व्हील के अगल बगल का कलर देखो, ऑरेंज अगर क्लाइंट वेयर कर रहा है आउटफिट तो आप रेड दे सकते हो, येलो दे सकते हो। सो इसी तरह से आपको हर कुछ को डिसाइड करना है। डार्क होता है वायलेट कलर, मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों को, एंड सबसे लाइट होता है येलो कलर कलर व्हील में। सो इस तरह से आप देख सकते हो, मैंने एकदम अच्छे से आपको क्लियरली सबको समझाया है। कलर व्हील याद करो आप, एकदम इजी फंडा है। ये दोनों टर्सरी कलर हमारे हुए, ये दोनों आपका सेकेंडरी कलर हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे, आई गेस आपको समझ आ रहा होगा। एंड आप देख रहे कितने तरह के डिफरेंट डिफरेंट आपको कलर येलो में भी नजर आ रहे होंगे, ग्रीन में नजर आ रहे होंगे, ब्लू में नजर आ रहे होंगे। सो बस इस तरह से आपको सबको समझना है। अब मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। अब हम बात करते हैं व्हाट इज ट्रांजिशन कलर। ट्रांजिशन कलर के बिना आपका आई मेकअप हो ही नहीं सकता, आप ऐसा समझो। ट्रांजिशन कलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कलर, क्योंकि ट्रांजिशन कलर से ही आप डिसाइड करोगे आपको कैसा आई शेडो देना है, कैसा आई मेकअप देना है। तो ट्रांजिशन कलर क्या होता है, एक ही कलर के बहुत सारे शेड। मीन्स आप मार्केट जाते हो, आपको रेड में ही बहुत तरह के रेड देखने को मिलते हैं, ब्लू में भी बहुत तरह के ब्लू देखने को मिलते हैं। सो आपको ये रूल बस याद रखना है, डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क, ठीक है, ये वाला रूल आपको याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको कलर व्हील से आपको समझाती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। आप यहाँ पे देख रहे हो वो ग्रीन में भी देखो, डार्क ग्रीन, उससे हल्का लाइट, उससे हल्का लाइट। इसी तरह से आप वायलेट में देखो, डार्क वायलेट, हल्का हल्का। रेड में ही आप देखो, डार्क, उससे हल्का लाइट, उससे हल्का लाइट। सो बस एक ही कलर के बहुत सारे शेड, इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन कलर। सो कोई भी आई मेकअप जब आप करते हो या कोई भी आप आई शेडो करते हो, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है। क्या बात का आपको ध्यान रखना है, आपको डार्क से लाइट की ओर जाना है या फिर आपको लाइट से डार्क की ओर जाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ डार्क ब्लू, ब्लू लाइट ब्लू, एंड ये जो डार्क ब्लू कलर देख रहे हो ना, ये कलर हम कहाँ पे यूज करेंगे, ये लाइट ब्लू कहाँ यूज, सब कुछ आपको मैं बताऊंगी। फर्स्ट कलर कौन सा पिक करना है, सेकेंड कलर कौन सा पिक करना है, सब कुछ सेकेंड। इसी तरह से आपको रिमेम्बर करना है डार्क पिंक, पिंक एंड पीच कलर। पीच कलर जो होता है ये पीच कलर है, लाइट पिंक भी आप बोल सकते हो। तो ट्रांजिशन कलर को याद करो, एक ही कलर के बहुत सारे शेड, वायलेट ही तो वायलेट के बहुत सारे शेड। एंड आपको बस एक, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे डार्क से लाइट, इसे ही हम बोलते हैं ट्रांजिशन कलर। आई गेस आप क्लियर हो गए होंगे, एक ही तरह के, एक ही कलर के बहुत सारे शेड। तो इसको आप राइट डाउन कर लो, मैं इसको वाइप ऑफ कर रही हूँ। मैं आप लोग को बता रही हूँ एनालॉगस कलर क्या होते हैं। What is analogous color? So guys, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हेल्पफुल आपको थोड़ा सा भी लगा होगा तो कमेंट करके आप बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छा एंड डिटेल में आप लोग को मैं कलर व्हील के बारे में बताने वाली हूँ, मतलब ऑल अबाउट कलर व्हील। सो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो को भी, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड कुछ भी ज्यादा कम लगा होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
एंड प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे एंड सारे नोट्स बनाइएगा। सो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। मैं बाय एंड टेक केयर।